नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि यूपी के प्रयागराज से सामने आ रही है। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही आपको बता दें, गोहनिया के जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। साथ ही 16 से 19 अक्टूबर तक आरएसएस की जो बैठक चली है उसमें भी मोहन भागवत शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को प्रयागराज से रवाना हो जाएंगे मोहन भागवत। पूरी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर जयपुरिया कॉलेज में ही बनाए गए हेलीपैड पर आज सीएम योगी उतरेंगे, जिसके बाद करीब एक घंटे तक संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, जिसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इस दौरान करीब एक घंटे तक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। वो पहले से ही 16 से 19 अक्टूबर तक की जो आरएसएस की बैठक है उसमें शामिल है। तमाम संघ से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर मंथन चल रहा है। ऐसे में आज बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने जा रहे हैं। करीब एक घंटे तक ये मुलाकात होगी, जिसमें कि सीएम योगी हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद करीब एक घंटे तक संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ इस मंथन में सामने आ पाया है, क्या कुछ आगे विकास करना है, संघ से जुड़े जो भी मुद्दे हैं जिन पर विमर्श किया गया, उसकी जानकारी लेते हुए सीएम योगी आज उनसे मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 16 से 19 अक्टूबर के बीच वहां मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ गए लाइव। शोएब, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख आरएसएस मोहन भागवत से मिलने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से कल तक एक बड़ी बैठक कह सकते हैं, 45 प्रांतों से करीब 450 के आसपास जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। उनके साथ अलग अलग सत्रों में प्रतिदिन 4 सत्रों में बैठक हो रही थी, और उस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा हुई, आगे की योजना बनाई गई, पिछली बैठक में जो भी एजेंडा तय हुआ था उस पर क्या कार्य हुआ है, इन तमाम विषयों पर संघ की महत्वपूर्ण बैठक कल ही संपन्न हुई थी। कल दत्तात्रेय घोष बोले, जो सरकार कारवा है, उन्होंने बाकायदा मीडिया से अपनी जो इस बैठक की पूरी चीजें थी वो शेयर की थी, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने के लिए अनौपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। उसके लिए वो बाकायदा गोहनिया का वो स्कूल जहाँ पे संघ की बैठक हुई थी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसी कैंपस में हेलीपैड है जहाँ पर वो 12:45 पर यहाँ पे पहुंचेंगे, और उसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो उसी कैंपस में जो संघ प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे तमाम विषयों पर चर्चा की जा सकती है, ऐसी जो बातें वो निकल के आ रही हैं, क्या कुछ उसमें बातें होंगी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जिस तरह से महत्वपूर्ण संघ की बैठक हो रही थी उसमें तमाम विषयों पर जो चर्चा हुई है उससे संदर्भित चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भी और विषयों पर संघ प्रमुख से जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनकी मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। खासतौर से एक मुद्दा पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है, जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर किस तरह से नियंत्रण और समानता कैसे लाई जाए, उसको लेकर के जो संघ की बैठक है उसमें भी अहम चर्चा हुई थी। और खासतौर से ये बताया भी गया है कि कोई ऐसी एक नीति जो बने जो समान नीति हो, उसका कड़ाई से पालन हो, इस तरह की जरूरत जनसंख्या को लेकर के नियंत्रित करने को लेकर के की जा सकती है, इस तरह के संघ की बैठक में चर्चा भी हुई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह के तमाम विषय हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी इस पर चर्चा हो, लेकिन और कुछ क्या कुछ निकलता है इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये जो पूरी जो मुलाकात है वो बहुत निजी तौर पर रहेगी, वहाँ किसी को जाने की अभी फिलहाल अनुमति नहीं है, तो ऐसे में जब वो वहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकात करेंगे तो ये कयास लगाया जा रहा है कि इन तमाम विषयों पर जो संघ की बैठक में पिछले 16 तारीख से मंथन हुआ है उस पर निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा हो सकती है।
बिल्कुल शुएब, जिस तरह से आपने बताया कि जो तमाम वो बिंदु है उन पर चर्चा की जा सकती है, ऐसे में 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आरएसएस की अहम बैठक भी चली है, जिसमें खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बैठे थे और ऐसे में उसमें शामिल भी थे। क्या कुछ बिंदु लग रहे हैं कि वो सामने आ पाए होंगे? बिल्कुल, जो इस बैठक में 16 तारीख से जो शुरू हुई थी, इसमें कई अहम मुद्दों पर खासतौर से संघ जिस तरह से कार्य करता है, देश हित में कार्य करता है, देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर वो न सिर्फ अपनी पैनी निगाह रखता है, उस पर मंथन करता है और क्या कुछ किया जा सकता है, संघ उसमें किस तरह से भागीदार बन सकता है, इस पर हमेशा से संघ ने काम किया है और अब संघ की इस बैठक पे भी इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हुआ है। हालांकि जो मोटे मोटे तौर पर चीजें निकल के आई, उसमें खास बात एक जो निकल के आई है वो ये कि हर जिले का कोई एक गांव संघ चयनित करेगा और बाकायदा वहां पर उस गांव को एक तरह से मॉडल की तरह डेवलप किया जाएगा, चाहे विकास से लेकर के विकास से जुड़े मुद्दे हों या शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो। ये ऐसी योजना संघ की इस अहम बैठक में तय किया गया है कि देश के हर जिले के एक गांव को चयनित करेंगे और बाकायदा उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में एक भागीदार बनेंगे। इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर के भी काफी कुछ चीजें संघ की इस बैठक में निकली हैं, जिसमें किया गया है कि जो गांव से पलायन होता है तो ऐसी व्यवस्थाएं हों जिससे लोगों को न सिर्फ रोजगार मिले, पलायन भी कम हो, ये विषय भी महत्वपूर्ण रहा, इस पर भी बैठक हुई है। साथ ही साथ 2025 से संघ के 100 साल हो जाएंगे, उसको लेकर के किस तरह से क्या कुछ आगे योजनाएं बनेंगी, क्या कुछ काम करना है, किस तरह से संघ को और विस्तार करना है, इस पर भी चर्चा की गई कि ये तमाम विषय हैं। लेकिन खासतौर से एक विषय जो विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर के बयान दिया था, उस पर चर्चा हुई और उससे बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया कि कोई एक नीति जरूर बननी चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो और उसका पालन कड़ाई से हो, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है इस तरह की संघ की बैठक में हुआ। अब चूंकि बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और मोहन भागवत अभी 22 तारीख तक प्रयागराज में रहेंगे ऐसा बताया जा रहा है, तो ऐसे में अब बैठक के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख से मिलने के लिए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के तमाम विषय हैं जिस पर चर्चा होगी आने वाले दिनों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हो सकता है यूपी के तमाम विषयों पर जो विकास के कार्य है या कुछ यूपी सरकार कर रही है उस पर भी वो उनके साथ मंथन करें, इस तरह की तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब वो योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और मोहन भागवत से बोलेंगे तो ये बातें हो सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी बना नंबर वन, यूपी की योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम की है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया है, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया है, जिसमें की पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी को मिला पहला अवार्ड। राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी को अवार्ड दिया गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी को मिला पहला स्थान, प्रथम स्थान मिला यूपी को आवास पहुंचाने में। आवास योजना की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य यूपी है उसमें सबसे अहम जो माना जाता है आवास योजना में, जिसकी भूमिका सबसे बड़ी, सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसे में पीएम आवास योजना की यूपी में सब जगह तारीफ हो रही है और ऐसे में प्रथम स्थान मिला है। राजकोट में आयोजित कॉन्क्लेव, जो कि इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव आयोजन हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है, प्रथम स्थान मिला है, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी को पहला स्थान मिला है, नंबर वन घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया करवाने में। पीएम आवास योजना की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया उत्तर प्रदेश को,
पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, ऐसे में सम्मानित किया गया है राज्य उत्तर प्रदेश को, यूपी को सबसे पहला स्थान मिला है। राजकोट में इसका पूरा आयोजन किया गया, जिसमें कि इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी को सम्मानित किया गया है। बात करें आवास योजना की, जो तमाम जो कवायद की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम आवास को लेकर, उसको सुचारू रूप से ठीक ढंग से जो राज्य में यूपी में करने के लिए यूपी को सबसे पहला स्थान मिला है। वहीं लखनऊ में 5 करोड़ दियों से जगमग किए जाएंगे आज गांव। जल जीवन मिशन हर घर जल दिवाली बनाने की अनूठी पहल, हर घर जल योजना के तहत गांवों में आज दिए गए ये कनेक्शन, जिसमें कि 51 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल से जोड़ने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि आज के दिन 5 करोड़ दियों से गांव को जगमग किया जाएगा और रोशन किया जाएगा। हर जगह जल योजना के तहत गांवों में इसका कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में 51 लाख परिवारों को जो साफ पीने का पानी, शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए सरकार की जो ये कवायद है सामने आई है, जहां पर 5 करोड़ दियों से पूरा गांवों को जगमगाया जाएगा, रोशन किया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए, दिवाली को देखते हुए और साथ ही साथ शुद्ध जल मुहैया करवाने के लिए यूपी की जनता को हर घर जल योजना के तहत गांवों में दिए का कनेक्शन सामने आया है। 51 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वही सपा सांसद शफीर रहमान बर्क बीजेपी और आरएसएस पर भड़के हैं। उन्होंने पीएफआई का बचाव करते हुए कहा है कि जब सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है तो आरएसएस और इस पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जबकि आरएसएस मुसलमानों पर ज्यादती कर रही है। बता दें कि संभल दीपा सराय स्थित अपने आवास पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए, लेकिन उन्होंने आज तक पीएफआई के किरदार के बारे में कभी कुछ सुना, ना ही उसकी शिकायत सुनी है। यह तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरासमेंट करने के लिए कर रही है और ऐसे में मुसलमानों को खौफ जदा करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। पीएफआई पर सरकार ने बेवजह बैन लगा दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से देश में हालात खराब हो रहे हैं, केंद्र की जिम्मेदारी ये बनती है कि वह सही जांच कराकर कार्रवाई करे। संभल का ये पूरा मामला, जहां पर पीएफआई बैन पर तिलमिला उठे हैं सपा सांसद शफीर अहमद बर्क। आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाति करना, उनके साथ ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए। और ये तो ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर, जिससे नफरत बढ़ती है और हालात ख़राब होते हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट की का बैन नहीं लगा इन पर। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 की परीक्षा में प्रयागराज के रहने वाले भाई बहन की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। शहर से दूर मेजा इलाके के रहने वाले विवेक सिंह को जहां 8वीं रैंक मिली है, वहीं उनकी छोटी बहन संध्या सिंह को 12वीं रैंक हासिल की है, जिसमें कि विवेक और संध्या दोनों ने पीसीएस की परीक्षा में एसडीएम की रैंक हासिल कर ली है, अपने गाँव का नाम रोशन किया। और ऐसे में विवेक और संध्या के रैंक हासिल करने पर मिली जानकारी से ही गांव में खुशी का माहौल है। हमारे प्रयागराज से संवाददाता श्रेय ब्रस्वी ने चयनित विवेक और संध्या और उनके माता पिता से खास बातचीत करी। एकदम साधारण सी जिंदगी जीने वाले दो भाई बहन
इस वक्त आप देख सकते हैं उनके घर में खुशियों का माहौल है। उन्होंने पीसीएस की जो परीक्षा है उसको क्रैक किया है, जिसमें बहन ने पहले अटेम्प्ट में ही 12वीं पोजीशन हासिल की है, वहीं भाई जो तीसरा अटेम्प्ट था उनका 8वीं पोजीशन लाई है। प्रयागराज शहर से एकदम ग्रामीण इलाके में रहने वाली ये दोनों भाई बहन साधारण जिंदगी जीते थे, बहुत डाउन टू अर्थ रहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उससे न सिर्फ गांव वालों का सीना तो फख्र से चौड़ा हो गया है, खुशी की लहर है उस गांव में, खुशी का माहौल है। हम जब इस गांव में पहुंचे तो रास्ते में तमाम दुश्वारियां देखने को मिली थी, लेकिन उनके हौसलों को वो तोड़ नहीं पाई। हम उन्हीं से बात करते हैं। विवेक, किस तरह से आप एक ग्रामीण परिवेश में रह करके और आपने पढ़ाई भी अपने अपने आसपास के इलाके से की है, ये परीक्षा पास की? भले ही हम ग्रामीण परिवेश से संबंधित हों, लेकिन हमारे माता पिता की सोच थी हमेशा ही वो आउटलुकिंग थी, आगे की सोच हमेशा रखते थे, तो उन्होंने हमें हमेशा पढ़ाने में प्राथमिकता दी। देखिए, ये अपने घर की दुलारी भी हैं, इनकी माँ से जब हमारी बात हो रही तो उनका कहना था कि वो उनको भी मोटिवेट करती हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से आपको हासिल हुआ? अपने माता पिता की मेहनत से, उनके संघर्ष से हासिल होता है। एक तो वो मोटिवेशन रहता है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और हमें पढ़ाने के पीछे तो बहुत ही ज्यादा किया है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दीपों के पर्व से कुछ पहले जिस तरह से मेजा के इस गांव में खुशियां आई हैं, न सिर्फ गाँव वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है बल्कि गाँव की अब उम्मीदें भी बढ़ गई है कि वहाँ के बच्चे इस तरह और मेहनत करके इस गाँव का नाम करेंगे और साथ ही साथ 2 SDM जब बन के आएंगे तो कहीं ना कहीं इस गाँव का विकास भी होगा। वही यूपी के नोएडा में चलती कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 62 में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लग गई, जिससे कि आसपास में हड़कंप मच गया। आग लगने से जिस तरह से वहां पर हड़कंप का माहौल देखा गया, अफरा तफरी मच गई, चलती कार में भीषण आग लग गई। किसी तरह से कार चालक अपनी जान बचाकर बाहर कूदकर उसने अपनी जान बचाई। ऐसे में चलती कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि भीषण आग लग गई नोएडा के 62 सेक्टर 62 में। ये दर्दनाक घटना जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। वहीं बरेली शराब पीने के दौरान मीरगंज में बुधवार रात बड़ी घटना घट गई। पानी के चक्कर में 3 युवक शराब में केमिकल मिलाकर पी गए, जिससे तीनों की हालत बिगड़ गई। तीनों को CHSC ले जाया गया, जिसमें से एक को राजश्री मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक रामेंद्र मीरगंज के मालीपुरा के रहने वाले थे। अन्य 2 की हालत फिलहाल गंभीर है। मीरगंज पुलिस के मुताबिक थाने के सामने मालीपुरा के रहने वाले रामेंद्र और भूप किशोर चौमीन का ठेला लगाते हैं। बुधवार को रामपुर के शहजाद नगर स्थित धमौरा गांव के रहने वाले वेदराम रिश्तेदारी में बहन किरण के घर आए थे, और ऐसे में वेदराम की भूप किशोर और रामेंद्र से दोस्ती हुई। रात 8 बजे के करीब वेदराम दोनों के पास पहुंचे। इसी के बाद तीनों के साथ बैठकर शराब पीने की योजना बनाई। केमिकल पीने से 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। ये लोग मोहल्ला मालीपुरा के रहने वाले, नगर पंचायत मीरगंज, जिला बरेली। क्या काम करते हैं? ये चाउमीन वगैरह के ठेले थाने के बराबर में खाली जगह में लगाते हैं। तो क्या सूचना मिली थी आपको कि क्या कुछ खाया था इन्होंने? सूचना ये मिली थी कि इन लोगों ने किसी की दुकान से उठा के पानी पिया था। अच्छा, अब पानी की जगह कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इमरजेंसी में 3 मरीजों को लाया गया, जिनमें से एक रामेंद्र मल्लीपुरा के हैं, जो ब्रॉड डेड थे, उनकी ना पल्स थी और पीपल्स डायलेटेड थे उनके, और बाकी 2 की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। 1 की तो SpO2 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आया है और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केसेस हैं। इन्होंने कुछ जहरीला या कुछ एसिडिक पदार्थ लिया हुआ है, जिस वजह से उनको ये दिक्कत हुई है। और 2 को हम लोगों ने रेफर कर दिया है जिला अस्पताल बरेली में, फर्स्ट एड दे के उनको रेफर कर दिया गया है। डेयरी का काम करने वाले हैं धर्मेंद्र यादव। ये अपने दूध को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटर रखते हैं
और गलती से वो प्रिजर्वेटर भी केमिकल के रूप में फ्रिज में रखा हुआ था और वही प्रिजर्वेटर को इन्होंने शराब में मिला लिया, जिसके कारण उक्त घटना का होना पाया गया है। जो आरोपी हैं धर्मेंद्र, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब तक किसी भी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सारी चीज़ों को समग्र दृष्टि से देखा जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में खाकी को शर्मसार करता एक मामला सामने आया है, जहां पर मंगलपुर थाने में तैनात एक सिपाही और उसके साथी पर एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने दुष्कर्म के बाद शादी का झांसा देने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए ये बताया है कि इटावा के बकेवर निवासी सिपाही दिलीप कुमार 3 वर्ष पहले रसूलबाद के तिस्ती चौकी में तैनात था। उसकी तैनाती के दौरान वह एक मामले को लेकर चौकी में शिकायत करने गई थी। चौकी में मिले सिपाही दिलीप ने बातचीत की, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर ले लिया, धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद सिपाही ने उसे बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। आवेदिका ने अपने एक मित्र विशाल, जो मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है, उस पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। वह यह बताया कि विशाल द्वारा उनके कुछ फोटोज और वीडियोस उनके रिश्तेदारों को सर्कुलेट भी किए गए हैं। तत्काल मुकदमे आरोप की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह 2 टीमों का गठन कर दोनों अभियुक्तों की अरेस्टिंग करी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।